तो दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपने अभिनय के लिए जितना जाने जाते हैं, उतना ही अपने स्टाइल और ख़ास अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। विजय देवरकोंडा ने कम उम्र में ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तेलुगु सिनेमा से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाले दिग्गज एक्टर पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। आज विजय देवरकोंडा का 32वां जन्मदिन है। फिल्म के मेकर्स ने तय किया था कि एक्टर के जन्मदिन पर वो लाइगर का टीज़र लॉन्च करेंगे, मगर आज टीज़र को लॉन्च करना पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेकर्स ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि विजय के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म लाइगर का टीज़र लॉन्च किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि मेकर्स ने पहले यह फैसला लिया था कि विजय के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म लाइगर का टीज़र लॉन्च किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कोरोना महामारी। मेकर्स ने कोरोना की महामारी बढ़ने के कारण लाइगर के टीज़र को लॉन्च करने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है, यानी अब टीज़र आगे की जगह किसी और डेट पर किया जाएगा। धर्मा प्रोडक्शन की ओर से एक स्टेटमेंट जारी कर इसके बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट में लिखा है कि कोरोना के मुश्किल हालातों को देखते हुए हमने लाइगर के टीज़र को रिलीज़ करना टाल दिया है। अब हम इसे तब रिलीज़ करेंगे जब हम सबके लिए बेहतर वक्त आएगा। विजय धर्मा प्रोडक्शन और पूरी कनेक्ट्स की ओर से जारी इस बयान में लोगों से कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि फिल्म लाइगर एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें विजय देवरकोंडा एक बॉक्सर का रोल निभाते हुए नज़र आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर विजय के ऑपोजिट नज़र आने वाली हैं। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट 9 सितंबर तय की गई थी, मगर जैसे हालात है ये देखना होगा कि टीज़र की ही तरह फिल्म की रिलीज़ को भी टाल दिया जाता है या नहीं। फिल्म को पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के अलावा रम्या कृष्णन भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये फैसला सही है या गलत है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद।